बहुत अच्छे रोल किए हैं और इसमें आर्टिस्ट सब नए हैं लेकिन सब टैलेंटेड हैं। ये अभी आप मोनालिसा भी है जिसकी अभी एक नज़र आ रही है, देखे होंगे आप टीवी सीरियल आ रही है इसकी। अब मोनालिसा ऑलरेडी भोजपुरी में सुपरहिट हीरोइन है और बिग बॉस में भी थी, तो यही देख कर कि थोड़ा सा अच्छे स्टार भी हैं और थोड़े नए स्टार में भी अच्छे काम। ये 24 तारीख को रिलीज है, 24 अगस्त को, और ऐसे मौके पे मैंने ये फिल्म की टाइटल बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं इसमें समर्पित हूँ कि अच्छी से फिल्म रिलीज हो जाए, कम से कम 200 थिएटर्स में रिलीज करने की हम लोग का तमन्ना है। बाकी आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहेगा ताकि आप थिएटर में जाकर पिक्चर देख पाएँ, यही मेरी आशा है। और मैं चाहता हूँ कि फिल्म देखने से पहले थोड़ा आप देख पाएँ कि ये फिल्म कैसी बनी है, आपका आशीर्वाद ये देखने के बाद ही मिलेगा। तो कृपया आप अपने अपने सीट पे बैठ जाए। और आज ये शुभ मौके पे आए हैं पिक्चर का प्रमोट करने के लिए, लेकिन संयोग है कि ये भी आ गए हैं। बस ये फिल्म का नाम है बदला हिंदुस्तानी का, जो शब्द आप बोल दीजिए बदला हिंदुस्तानी के बारे में। बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने बहुत तारीफ सुनी है देखा की है मैं फिल्म, मगर मेरी दुआएं बहुत साथ में और मैं चाहूंगा मैं क्या और फिल्म बनाई अच्छी है, लोग देखने के और आए तो लोगों को वाकई में क्या पसंद आएगी। वैसे मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और बहुत सारी फिल्में की, और जब मुझे बुलाते मेरे पास वक्त होता तो मैं आपकी खिदमत में अव्वल फुर्सत में हाजिर हो जाता हूँ। और अगर मैं कोई प्रोडक्शन करूँ अपना मैं आपके बारे में छोड़ूंगा। अब रमेश जी से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा बताएं कि खाना मैं बदला हिंदुस्तानी का बहुत बहुत नमस्कार सभी को, मैं बहुत यकीन हूँ सही जान पर आया हूँ। मैं एक बार जानता हूँ जिस भी प्रपोजल में राजेश मित्तल साहब का हाथ है, सहयोग है, इन्वॉल्वमेंट है, वो पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में लगती है। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात बदला हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी का, तो ये हिंदुस्तानी का, हिंदुस्तानी का, और ये इनकी फिल्म हिंदुस्तान में पूरी जगह लगेगी तो बदला बड़ी अच्छी तरह से किया जाएगा। मैं करीब 44 साल से एज एन एक्टर काम कर रहा हूं और इस इज्जत के लिए मैं तरसता रहता हूं। ये इज्जत बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो प्लेटफॉर्म का सोना वहां से यहां तक आना और ये इज्जत मिलना, तो इसके लिए मैं राजेश मित्तल साहब को शुक्रिया अदा करता हूं। तो उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, यहां बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। सर ये बड़ा मुश्किल है बोलना, यहां पर आना बहुत मुश्किल है, चाहे बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। वही एक्शन है, वही कट है, वही कैमरा है, वही लैंग्वेज है, छोटी बड़ी का फर्क हो सकता है, लेकिन फिर दोबारा कह रहा हूं जहां राजेश मित्तल हैं वो फिल्म अपने आप बड़ी हो जाती है। जिसके साथ मैंने बहुत लंबा समय गुजारा है, अंश ले रहा है।
ये छोटा भाई भी है एंड इसने जीवन की बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है. आई नेवर नो अबाउट ऑल द नेम्स एक्चुअली, लेकिन बहुत सारी बधाइयों के साथ आप जो भी कामयाबी के रास्ते पर अग्रसर रहे हैं आप माइक ले सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू. बदले का बदला का हिंदुस्तान का बदला हिंदुस्तान का प्रोमो बहुत प्रेरणादायक है, बहुत जोशीला है और मैं टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा, अभिनंदन. एक यंग टीम है और अंश का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इनवाइट किया. मैं आशा करता हूँ और मेरी दुआएं हैं कि फिल्म अच्छी हो, हिट हो और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन. महकते हैं तो राजेश मित्तल साहब के लिए ये मिसाल है और वो इस तरह के हैं और
देखी। वैसे राजेश मित्तल साहब कोई भी फिल्म बनाए वो डब्बे में नहीं जाती, रिलीज जरूर होती। वाह ओके नमस्कार। रमेश गोयल की तरफ से यहाँ पर सभी उपस्थित भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नहीं है तो हम नहीं है, अगर आप हैं तो हमें जनता जनार्दन का हर फंक्शन में होना बहुत जरूरी है। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ आपसे गौर से सुनिए प्लीज। कोई भी फिल्म हो अगर उसका म्यूजिक लॉन्च है, पार्टी है या रिलीज हो रही है, ऐसे फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो मेरे सामने कैमरे चल रहे हैं ये कैमरे हमको पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएंगे। और हमारे पास कोई माध्यम ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात को कह के पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा सके। तो मैं मीडिया के सभी पर्सनैलिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे ऊपर कैमरा लगाए हुए हैं, जिसकी मैं सालों से इच्छा मेरी इच्छा थी कि मेरे ऊपर कैमरा लगे और मैं कुछ बोलूं। हकीकत है एक्टर को बोलना बहुत अच्छा लगता है, एक्टर बोलने का ही खाता है, डायलॉग बोलता है तो उसे पैसा मिलता है। तो यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे फायदा होने वाला है। मेरे साथी यहाँ पर बहुत कलाकार हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलर हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, यानी हर फैकल्टी का आदमी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने मुझे पूरी जिंदगी में हमेशा साथ दिया है। आज अगर मैं हूँ किसी को तो किसी भी वजह से, तो इन सब लोगों की वजह से हूँ। इन लोगों ने मुझे कॉर्पोरेट किया, जब मैं प्लेटफॉर्म पर सोता था तब भी ये लोग मेरे साथ थे, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तब भी ये सब लोग मेरे साथ हैं। इस लाइन का स्ट्रगल बहुत पॉजिटिव है। अगर इस लाइन में कोई आदमी तरक्की करना चाहता है तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, जिसकी आज मिसाल देखने को मिल रही है कि मैं फर्स्ट डे भी 10 अक्टूबर 1973 को पॉजिटिव था कि मैं एक्टर बनूंगा, प्लेटफॉर्म पर सोकर सोच रहा था, और वो पॉजिटिविटी मेरी आज कमाई कि मैं एक्टर हूँ जो मुझे इज्जत दी जा रही है। इसीलिए मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब लोग पॉजिटिव हो जाइए। कोई भी आदमी कहीं रह रहा हो, किसी भी तरह का हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, कोई साथ नहीं हो, लेकिन ऊपर वाला साथ है। वो जब साथ देता है तो किसी के साथ की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं ज़्यादा न बोलकर मैं राजेश मित्तल साहब का, डायरेक्टर साहब का, प्रोड्यूसर का, प्रोडक्शन कंट्रोलर का, सभी टेक्नीशियन, पूरी टीम का, हिस्सा उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आप लोगों ने मौका दिया, मेरी बात सुनी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, तालियां, बी पॉजिटिव। ये फिल्म को मेरा पूरा आशीर्वाद है, शुभाशीष है, शुभकामनाएं कि ये फिल्म रिलीज हो, चले, हिट हो और दूसरी फिल्म बने और हम सबको काम मिले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माइक दे दे सर, माइक बंद कर दीजिए ना सर। कितना मुश्किल रहा फिल्म बनाने के लिए? एक मिनट फिल्म से शुरू सर, क्या कहना है का, किस तरह की फिल्म होने वाली है, ऑडियंस कब तक सबके सामने आने वाली है? अगर उस बारे में Thank you.
आने के लिए आपने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने कैसे आसानी से हाँ कर दी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मोनालिसा के बारे में? देखिए वो आ चुके हैं भोजपुरी में और बिग बॉस में भी आ चुके हैं और अच्छी आ रही है। वजह यह था कि वो अब चाह रही है कि हिंदी फिल्म में आए, बहुत से ऐसे भोजपुरी ऐसे आर्टिस्ट जबरदस्त टैलेंट है, टैलेंट के बावजूद भी हिंदी फिल्में नहीं मिलती हैं और ऐसे वक्त में वो हिंदी फिल्म की तलाश कर रही है, हिंदी फिल्म कोई भी अच्छी फिल्म मिले ताकि काम किया। तो कब शूट किया था आपने इस फिल्म को? बहुत पहले की बात, कितने साल पहले की बात? नहीं नहीं साल नहीं होगा, छः महीने। ओके, अब स्टार प्लस पर उनका बड़ा शो चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टार प्लस का शो चल रहा है, मुझे ऐसा है कि ऑडियंस जब ये फिल्म को देखेगी नज़र पूरा नज़र है, ये फिल्म पर भी नज़र रहेगी। फिल्म के बारे में पूछ रहे थे। ओके, हाँ ये अपना बदला हिंदुस्तानी का इस फिल्म में ये नाम हीरोइन का रोल कर रही है, ये दो शब्द आपसे कहना चाहिए, ये फिल्म मैंने मिली कैसे और अगर मिली है तो क्या करना है ये फिल्म बनाने में, ये थोड़ा बताने की कोशिश करें, किस तौर से गुजर के आपने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया, कैसे कैसे कुछ करना है। चलिए सबसे पहले अपना नाम बताइए, परिचय बताइए और बदला हिंदुस्तानी किससे बदला लेने वाले हैं आप पूरे फिल्म में और क्या अपना किस प्रकार का किरदार है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी मेरा नाम दीपाली है, दीप सोनी के नाम से जानी जाती हूँ फेसबुक में, और ये मूवी मुझे राजस्थान से अभिनीत ने मुझे बोला है, मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ और ये मूवी के लिए मुझे यहाँ पे उनका काफ़ी वेट होने दिया है, लेकिन ये मूवी में मेरा एक आर्मी की वाइफ का रोल है और एक आर्मी को कैसे ट्रेवल होता है फैमिली फैमिली में, उसके साथ मेरे मतलब साथ में कैसे किया है उसकी वाइफ को जो फैमिली में बाहर डाल रहा हूँ। मोबाइल वाले का हाल है, डरी क्यों बदला लेने के लिए? आप डर एकदम डरी डरी सी बोल रहे हैं, खुल के बोलिए अपने किरदार के बारे में कैसे और कैसी केमिस्ट्री रही राजेश मित्तल साहब ने आपको केमिस्ट्री? हाँ राजेश मित्तल डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी रही केमिस्ट्री? पहले तो मैं राज सर और रेणुका मैम के बारे में, हाँ अब आपका डर खुला। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। पहले मैं राज सर और रेणुका मैम के बारे में बोलना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे इंसान है और ये मूवी के लिए जो मैंने मुझे सपोर्ट किया है, ये मूवी में लिया है, बहुत बहुत उनका थैंक्स है। और दूसरा है डायरेक्टर लक्ष्मण याना जी और उनकी पूरी टीम जिन्होंने हमने एक्शन में हमें एक्टिंग में जोड़ी, हमने सपोर्ट किया है काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया और बहुत अच्छी टीम है और हमारी नई पूरी एक्ट्रेस टीम है, उसमें सारे एक्ट्रेस हैं इतने मिल जुल के रहे कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं पूरा एक अलग से एक अलग जगह पर आई हूँ, तो पूरे सपोर्ट के साथ मैंने यहाँ पे इसमें अच्छा बहुत मज़ा आया। चैलेंज लगा आपको इस बदला हिंदुस्तानी का? चैलेंज था लेकिन इनकी जो सपोर्ट के हिसाब से मुझे वो चैलेंज बहुत कम लगा, चैलेंज नहीं लगा, बहुत अच्छे से कर पाए सभी। बस ये मूवी आप जरूर देखो पूरी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ और प्लीज हमें पूरा सपोर्ट कर। इस फिल्म में मैं बंटी का किरदार कर रहा हूँ, सेकंड लीड की रूम इस फिल्म में मैं, और ये जो फिल्म है सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर राज राजपूत सिंह, रेणुका राजपूत सिंह का, जिन्होंने इस रोल के लिए मुझे सिलेक्ट किया। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर ये फिल्म में बंटी कोई कर सकता है तो तुम बनाए फिल्म नहीं बनी, तो सबसे मैं मीडिया के सामने धन्यवाद करना चाहूँगा राज राजपूत जी और रेणुका राजपूत जी का। और जो इस फिल्म से बस मैंने यही सीखा है कि इतना अगर आप मेहनत सच्ची लगन से करो तो आपको फल जरूर मिलता है, और जिस हिसाब से भी आपने देखा मूवी जिस तरह से चले और जो अप्रिसिएशन लोगों के मिल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हिंदुस्तानी की फिल्म है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसे सपोर्ट कीजिएगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सारे हिंदुस्तानी की फिल्म है, तो आई वांट टू से ऑल ऑफ देम प्लीज़ टू कम विद ओपन हार्ट और हम सभी को प्यार दीजिए। मैं विशाल देसाई बस आप सभी से यही दुआ चाहता हूँ कि हमारी फिल्म बदला हिंदुस्तानी को आप बहुत आगे लेके। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया का मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा,
ना मोबाइल बाहर मोबाइल बाहर और बाहर और बाहर और बाहर मोबाइल